टाइम विद अनहर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें मिलेंगे आप नए नए मेहमानों से, वो मेहमान जो माशरे में बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे माशरे की कहानियाँ, ट्रेंडिंग स्टोरीज, और हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के इवेंट्स के कहाँ कहाँ कौन सी कंपनियाँ कैसे काम कर रही हैं, फैशन शोज, हमारा माशरा, ट्रेंडिंग स्टोरीज और बहुत कुछ। तो देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम ओनली ऑन न्यूज़ टाइम HD TV पे, टुडे टाइम विद अनहर मोइन। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ और अपने आप शौक था जी वो एक्टिंग करने का था, तो कुछ जगह एक्टिंग भी की और एक्टिंग करने के साथ आप अपना दिल जो है उसको ठीक रखें और कहेंगे यार अच्छा हमने अपना काम कर दिया। टीचर जो है वो एक एक्टर की तरह होता है और वो एक्ट करता है और अपनी जो कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट्स तक, उसको बड़ों के और छोटों के दरमियान जो होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यूज़ टाइम HD TV के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनहर मोइन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम टुडे टाइम विद अनहर। और आज के मेरे गेस्ट हैं हसीब खान। सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन खुद भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी लेकिन वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, तो हम उनसे बात करते हैं। वो टीचर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और मेन उनका ये है कि बस मुझे बेसिकली उनकी स्माइल बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन हम उनसे बात करते हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा पहला क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए ये है, इतनी प्योर स्माइल का राज क्या है? देखिए जी स्माइल कोशिश यही करते हैं कि जी एक पॉजिटिव वाइब्स आए जो हमारे साथ हों और लोगों को पॉजिटिविटी मिले, बस इसी तरह ही चल रहा होता है कि जो ज़िंदगी की जो टेंशनें हैं वो अपने तक रखी जानी चाहिए लेकिन जो प्यार और मोहब्बत है वो लोगों में बांटना चाहिए। बहुत प्यारी, एक बहुत प्यारा सा मैसेज है, स्माइल के साथ मैसेज भी बहुत प्यारा। सर मुझे थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आपकी रूटीन क्या है और आपका जो मीन के विजन ऑफ लाइफ नेक्स्ट क्या है? देखिए जी रूटीन तो वो यही है कि जी मैं पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ और अपने आप को यही कहलवाना चाहता हूँ कि मैं एक उस्ताद हूँ और सुपीरियर ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हूँ जी, तो सुपीरियर के साथ ही सारी आइडेंटिटी भी उसी के साथ ही है और जो कुछ भी है वो सब कुछ सब उन्हीं, वो सुपीरियर ने ग्रो किया और उसके साथ हमने भी ग्रो किया, तो दिस इज़ वॉट आई एम। और उसके साथ जो शौक था जी वो एक्टिंग करने का था, तो कुछ जगहों पर कुछ जगह एक्टिंग भी की और एक्टिंग करने के साथ कोशिश जैसी भी है अच्छी बुरी जिस तरह भी आती है लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जी चलें अपने आप अपना दिल जो है उसको ठीक रखें और कहेंगे यार अच्छा हमने अपना काम कर दिया। वैसे मैं अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि मैं भी टीचिंग लाइन से हूँ, वो कहते हैं जी टीचिंग एंड मीडिया दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है ये इसके आपकी इसमें क्या राय? नहीं 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 जी बिल्कुल नहीं है। देखें एक टीचर जो है वो एक एक्टर की तरह होता है और वो एक्ट करता है और अपनी जो कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट्स तक स्टूडेंट्स को बताता है और जो अपना वो जो भी आइडिया वो सेल करना चाहता है वो स्टूडेंट्स को देता है कि यार दिस इज़ व्हाट यू वांट टू बी, सो वो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से किस तरीके से उन आइडियाज़ को लेते हैं वो दिस इज़ व्हाट मैटर्स। और मीडिया जितना आपको कॉन्फिडेंस देता है वो आपको कोई और चीज़ नहीं देता, तो आई थिंक टीचिंग भी व्हेन यू आर टीचिंग अबाउट 40-50 स्टूडेंट्स और उनको आप उनके वहाँ पे आप खड़े हुए हैं उनके सामने और आकर आप उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं और आप उनको कोई चीज़ समझा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कोई काम हो नहीं सकता। और मीडिया में अगर आप थ्रू सोशल मीडिया आप कोई लोगों की ज़िंदगियों में खैर बांट रही हैं, आप लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा सर आपने आपको एक टाइम हो गया पढ़ाते हुए, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स आपने कहा आपको हो गया पढ़ाते हुए, सर आपको ये अब के जो 3 ईयर्स के स्टूडेंट्स और पिछले 22 ईयर्स के स्टूडेंट्स कोई डिफरेंस क्या फील होता है? नहीं जी डिफरेंस बिल्कुल होता है लेकिन मेरा ख्याल है कि 2012 तक के स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि मतलब जब तक ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा आम नहीं हुआ था उस वक्त के बच्चे ज़रा ज़्यादा फोकस थे और ज़्यादा मेरा ख्याल है कि किताबों की तरफ ज़्यादा थे। अब आजकल के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा हैं, अब उनको समझाने के लिए हमें सोशल मीडिया से जो आजकल के ट्रेंड्स चल रहे हैं वो एग्ज़ैम्पल्स हमें देनी पड़ती हैं, तो हमने भी बहुत कुछ सीखा है और हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं क्योंकि हम वो चाहते हैं कि बीइंग अ टीचर वो जनरेशन गैप ना आए बीच में वो बड़ों के और छोटों के दरमियान जो होता है, तो हम वो कहते हैं कि जी ठीक है जो बच्चे जो कुछ कर रहे हैं हमें भी वही कुछ करना चाहिए ताकि हम उनके साथ ज़रा हम भी ज़रा थोड़े से लाइवली रहें या थोड़े से मॉडर्न रहें तो हम भी कहें कि हमें भी ये सब कुछ आता है।
अच्छा सर, सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा अफेक्ट कर दिया, स्पेशली जो कोरोना का एक पूरा टाइम आया उसके बाद से बहुत ज़्यादा ध्यान लोगों का चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया। सर आपके ख्याल में जो आज के पेरेंट्स हैं, क्या वो इस गैप को समझ पा रहे हैं, और वो क्या, यानी कि एक मुझे एक चीज़ फील होती है कि जो वो टीचर्स के साथ अब उनकी वो कम्युनिकेशन नहीं रही जो कि पहले पेरेंट्स की भी एक रहती थी। नहीं, मेरे ख्याल में अब बच्चा टीचर के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करता है। व्हेन आई यूज़ टू बी अ स्टूडेंट, तो मेरे और मेरे उस्तादों के दरमियान में वो थोड़ा सा गैप होता था, जिसको हम रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन हमने वो एलिमेंट को थोड़ा सा कम कर दिया और हमने कहा कि नहीं, हमें अपने बच्चों का दोस्त होना है, जितना बच्चा ज़्यादा बोलेगा हम उसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो गए हैं टीचर्स, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ही कम्युनिकेटिव हो गए हैं। तो हम अगर हम थोड़ा सा उनको हमें समझ आ जाए, वी एज़ टीचर्स शुड रीड बिटवीन द लाइन्स कि हमें बच्चे को क्या समझाना है और क्या नहीं। देखें, टीचर भी गूगल की तरह ही होता है कि गूगल में बहुत कुछ है सामने, आप कुछ भी ओपन करेंगे तो आपको वो चीज़ें चलने लग जाएंगी, लेकिन हमें एज़ टीचर्स हमें पता है कि हमें क्या, किन चीज़ों को बच्चों को बताना है और किन को नहीं, किसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है और किसका नहीं। नहीं सर, इसमें यह भी है ना कि पेरेंट्स हमारा उस तरह साथ नहीं बाज़ दफ़ा दे पाते ना, कि जब हम उन्हें बताते हैं कि आपका बच्चा ऐसे कर रहा है या वैसे कर रहा है, तो आगे से उन कहते हैं हे, हमारे बच्चे को ऐसे कह दिया आपकी, बस हमारा ये लाड ज़्यादा नहीं हो गया। नहीं नहीं जी, देखिए लाड के नहीं, आजकल के बच्चे ज़्यादा लॉजिकल हैं और वो अपने अम्मा अब्बा से बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। जब हम छोटे थे तो अब्बा ने अगर एक दफ़ा कह दिया कि नहीं, तो हमारी जरूरत नहीं होती थी कि हम दोबारा कभी उनसे बात कर सकें, लेकिन आजकल का बच्चा जो है अगर एक दफ़ा नहीं कह भी दिया है तो वो 10-15 मिनट के बाद वो फिर कहेगा, तो फिर आपने क्या सोचा, क्या करना चाहते हैं आप। तो वो हमें बच्चों का एहसास होता है और हम सिर्फ बच्चों को ये चाहते हैं कि बच्चे खुद डिसीजन, देखें डिसीजन किस तरह इंसान लेकर पक्का होता है, बार बार डिसीजन लेंगे, गलत होंगे, जैसा भी होगा बच्चे को डिसीजन लेने चाहिए और वो डिसीजन लें और खुद अपने डिसीजन के ऊपर साबित कदम रहें। और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ये डिसीजन लिया है, नाउ आई हैव टू लिव विद इट। तो वो लिविंग विद दैट डिसीजन, हाँ अगर आपको नहीं लग रहा कि ये डिसीजन गलत हो गया तो रिवर्ट बैक और अपनी ज़िंदगी को किसी और तरीके से शुरू कर दें, डजेंट मैटर। लेकिन हमें एज पेरेंट्स, हम हमेशा इम्पोज करते हैं कि नहीं, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें CSSE करना है, तुम्हें ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये सब नहीं किया। तो आपके बच्चे की जो अपना एप्टीट्यूड है उसको देखना होता है कि अपने बच्चे का आपका एप्टीट्यूड क्या है और वो अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना चाहता है, दिस इज़ व्हाट रियली मैटर्स। अच्छा सर, अभी हर जैसे एक जनरेशन होती है, हर जनरेशन का एक दौर होता है, जैसे ये जनरेशन जो है वो सारी सोशल मीडिया की है, ठीक है सर, आज के बच्चों पे इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आज के जनरेशन के लिए आपका एक परफेक्ट मैसेज क्या है? ये हमारा परफेक्ट मैसेज ये है कि अगर बारिश हो रही हो तो बारिश की वीडियो ना बनाएं, बारिश को इन्जॉय करें, और अगर आप कोई भी चीज़ की मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं तो मेमोरी क्रिएट हो कि आप उस वीडियो के अंदर हो, ना कि आप वो पीछे से वो वीडियो बना रहे हो। तो मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में वो मेमोरीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप 60 साल के, 50 साल के, जितने सालों के हो और आप अपने बच्चों को वो बता सकें कि आज से इतने साल पहले ये हुआ था एंड आई वॉज़ अ पार्ट ऑफ इट, हमें लगता है कि मुझे अपने दादा, मेरे दादा कैसे थे या मेरी दादी कैसी थी, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में उनको नहीं देखा। लेकिन आज के ज़माने में अगर जो हमारी जनरेशन जब दादा दादी बनेंगे, अगर हम इस दुनिया में नहीं भी होंगे तो हमारे फेसबुक से उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे दादा या मेरी दादी किस तरह के इंसान थे और वो क्या कर रहे थे। और अगर दादा भी मेरे जैसा हो और उसने लिखा हो फीलिंग लोनली विद 92 अदर्स, तो वो हमारे बच्चे जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा कर जाएंगे कि ओहो, हमारे दादा तो बड़े माहौल के इंसान थे। और जो दादा की जो माशाल्लाह हर साल की जो जो मेमोरीज आती हैं फेसबुक देता है, तो वो वाली मेमोरीज भी आएंगी कि आप आज इस साल में इसके साथ थे, अगले साल में इसके साथ थे। तो वो इसी तरह की चीज़ें हैं। तो आपको, मेरी सिर्फ बच्चों के साथ ये है कि प्लीज़ वॉट एवर यू आर क्रिएटिंग ऑन सोशल मीडिया, यू आर क्रिएटिंग हिस्ट्री, तो प्लीज़ क्रिएट द राइट हिस्ट्री। ओके जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्यारा टाइम दिया और बहुत मज़े की बातें की। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये प्रोग्राम और हमारे मेहमान बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ।